तालाब के सौंदर्यीकरण व खेतों से पानी तालाब में लाने हेतु सामाजिक लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल जिला मुख्यालय में सबसे प्राचीन नरसिंह मंदिर है और इस नरसिंह मंदिर के पीछे बने तालाब के सौंदर्यीकरण और गहरीकरण के शासन द्वारा योजना बनाई जाएगी। वहीं आपको बता दें जिसमें 44 के समीप बने खेतों का बाल इसका पानी द्वारा तालाब भरने की योजना प्रशासन द्वारा बनाई गई और यह कार्य जल्द से जल्द संपन्न हो, इसी मांग को लेकर सामाजिक लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नरसिंह मंदिर के जो समीप जो पीछे नरसिंह तालाब है, वर्षों से हम सबकी पूरे नगर की न पूरे नगर बल्कि पूरे जिले के लोगों की ये अपेक्षा रही है शासन प्रशासन की इसके सौंदर्यीकरण गहरीकरण और जो अन्य सुविधाएं वहां पर मिलना चाहिए लोगों को। साथ ही फोर लाइन जो गई है वहां से करीब 1.5 किलोमीटर वहां से खेत से तालाब में पानी लाना था वहाँ बरसात के दिनों में, लेकिन वहाँ पर पुलिया तो बन गई है फोर लाइन में, लेकिन वहाँ से पानी की निकासी के लिए जहाँ तक तालाब में पानियाँ वो नहीं बनी है। अगर वो नहीं बन पाई और अगर निकासी का पानी है तो वहाँ खेतों में किसानों को भी दिक्कत जाएगी और पानी भी तालाब तक नहीं आ पाएगा। हमारा शासन से प्रशासन से मांग है कि तालाब में पानी आए खेतों का और उसके सौंदर्यीकरण के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। रोड बनाई है, उस पर नाली भी बनना थी लेकिन नाली नहीं बन पाई, इस कारण जो पानी खेतों के अलावा पूरे घरों में भी भरेगा और पानी नहीं निकल पाया तो यानी डूब क्षेत्र में पूरी फसल असल सब नाश होगी। जैसे PWD से निवेदन है कृपया कर नाली बनाए, अगर नाली बन जाती है तो पूरा पानी तालाब में आएगा और एक दिन में तालाब पूरा भर जाएगा, अगर नहीं बन पाई नाली तो यानी पूरा क्षेत्र डूब में आ जाएगा।